जाली नोट के साथ चोर गिरफ्तार। दिल्ली में जाली नोट चलने वाले ग्रुप के एक चोर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कर्मी खुद अपने खबरी के साथ जाली नोट का खरीदार बनकर पहुंचे थे। पुलिस को आरोपी के पास से 25,000 रुपए मिले हैं, उसमें 500 और 100 के जाली नोट मिले हैं। आरोपी की पहचान फर्ज खान दिल्ली निवासी समीर खान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बुधवार को स्पेशल स्टाफ की टीम खबरी से सूचना मिली थी कि दिल्ली में जाली नोट की सप्लाई करने वाला एक व्यक्ति अपने ग्राहकों को जाली नोट देने के लिए राबड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास आने वाला है। सूचना के आधार पर स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर राकेश शर्मा के नेतृत्व में स्पेशल स्टाफ और हचकाजी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। टीम वहां से कुछ दूरी पर खड़ी हो गई, उसका इंतजार करने लगी। जैसे ही आरोपी मौके पर पहुंचा, खबरी ने टीम को इशारा करा, इसकी जानकारी दी और उसके पास जाली नोट का खरीदार बनकर पहुँच गया और फिर पुलिस ने उसे दबोच लिया। जांच करने पर उसके पास से 500 रुपए के 35 नोट और 1,000 रुपए के 80 नोट बरामद हुए और सभी नोट नकली थे और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ पर पता चला आरोपी पश्चिम बंगाल से आए एक सप्लायर ने दिए थे और बताया कि पिछले एक महीने में 3 से 4 लाख जाली नोट बाजार में चला चुका है। ये थी SM News रिपोर्ट।